नमस्कार, मैं सुमंत कश्यप, ग्रैंड एस्ट्रोवास्तु एक्सपर्ट, अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम प्रोफेशन और जेमस्टोन्स टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आपके सामने एक बॉर्ड डिटेल्स है, 3 अप्रैल 1979 का और सुबह का जन्म है 7:58, जालंधर, पंजाब, जो बर्थ प्लेस है। जातक का क्वेश्चन ये है कि प्रोफेशन मेरा अच्छा नहीं चल रहा, क्या इनका प्रोफेशन है वो भी आगे हम देखेंगे। तो प्रोफेशन में कुछ भी ग्रोथ नहीं हो रही है तो मुझे क्या करना चाहिए और कौन सा जेमस्टोन पहनना चाहिए, इसे कैसे देखेंगे केपी एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आप सीखेंगे। तो ये डिटेल्स है। अब यहाँ पे कुंडली दिखाई वाला जो ऑप्शन, जब आप इस पर टच करेंगे तो लग्न कुंडली बनेगी। ये मैं डायरेक्ट केपी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग ही आपको बताता हूँ। यहाँ से लग्न वाले जो पॉइंट हैं, 3 बिंदु, यहाँ पर आप टच करेंगे और यहाँ आने के बाद फिर आप इस केपी वाले सेक्शन में चले आएँगे। जब आप इस केपी वाले सेक्शन में आएंगे तो यहाँ आने के बाद एक बार आप यहाँ से दशा देख लीजिए। पहले दशा जो इनकी चल रही है वो चल रही है शनि की 2033 तक, जो 2014 से चालू हुई है, उसके पहले गुरु था। अभी शनि की महादशा में शुक्र की अंतरदशा है 15 मई 2024 तक, और उसके बाद सूर्य की अंतरदशा यानी अभी चल रही है, 15 मई के बाद सूर्य की अंतरदशा चल रही है जो अगले साल अप्रैल 2025 तक चलेगी। तो ये सूर्य की अंतरदशा में इन्होंने मुझसे कंसल्टेशन लिया, यानी शनि की महादशा और सूर्य की अंतरदशा में। अब यहाँ से फिर हम वापस आ जाते हैं केपी चार्ट पे। केपी चार्ट पे जब हम आते हैं, यहाँ से स्लाइड करके आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ से आपको आ जाना है नक्षत्र नाड़ी चार्ट में। यहाँ एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ, 15 अगस्त 2024 से हमारा बेसिक प्लस एडवांस केपी एस्ट्रोलॉजी कोर्स शुरू हुआ है। इस कोर्स में आप कंप्लीट कुंडली प्रेडिक्शन का जो अप्रोच है, जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, चाहे वो जेमस्टोन कंसल्टेशन के लिए हो गया, नौकरी के लिए हो गया, बिजनेस के लिए हो गया, मैरिड लाइफ, जो भी आप डिफरेंट टॉपिक पे मेरे वीडियो देखते हैं वो सब आप सीखेंगे। साथ ही साथ जो प्रैक्टिकल कुछ रेमेडीज़ होती हैं वो कैसे अप्लाई करना है, क्लाइंट को बताना है, वो भी आप सीखेंगे। यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9995 5 × 5 792 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है आप ये वीडियो बाद में देख रहे हों, नवंबर दिसंबर महीने में देख रहे हों, 2024 या 2025-26 में देख रहे हों, तो उस समय भी यदि आपका मूड हो या कोई भी आपका नियर एंड डियर कोर्स करना चाहे तो ये इस मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेंगे। उस समय का जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगा वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, कोर्स कंटेंट और फी स्ट्रक्चर के साथ में। अभी यदि आप मुझसे कुंडली प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं तो भी आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी पेड सर्विसेज होती हैं तो पूरी पेड सर्विसेज की डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे भेज दी जाएगी, उसके अनुसार फिर आगे का आप अपना डिसीज़न ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इनकी शनि की महादशा को देखेंगे तो शनि 5, 10, 11 का रिजल्ट दे रहा है। इसका स्टार लॉर्ड वीनस है 2, 7, 11, सब लॉर्ड वीनस है 2, 7, 11। अभी शनि की महादशा में शुक्र की अंतरदशा ख़त्म हुई है 2024 के मई में, ये भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे रहा है। इन्होंने मुझसे कंसल्टेशन लिया शुक्र के बाद जो सूर्य की अंतरदशाई इसमें। अभी आप इनकी नाड़ी चार्ट को देखेंगे तो 2, 6, 11, 2, 7, 11 इनकी कुंडली में काफ़ी प्लैनेट्स दे रहे हैं। यहाँ पे बहुत से लोग जो मेरा वीडियो देखते हैं नॉर्मली, उनके दिमाग में ये होता है कि मैं सिर्फ नक्षत्र नाड़ी चार्ट लेता हूँ और मैं एनालिसिस कर देता हूँ। आपके सामने जो वीडियो जाता है, चाहे वो 8 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, लेकिन उसके पीछे कई घंटों की मेहनत होती है। सिर्फ नक्षत्र नाड़ी चार्ट के आधार पे कि 2, 6, 11 है तो धन आ जाएगा, 2, 7, 11 है शादी हो जाएगी, 5, 9, 11 अच्छी एजुकेशन हो जाएगी, इतना आसान एस्ट्रोलॉजी नहीं होता। हाउसेस के स्ट्रेंथ को देखना पड़ता है। अब जैसे यहाँ समझिए, यहाँ पे आपको दिख गया कि शनि है, शनि की महादशा है 2, 7, 11, बहुत अच्छा बिजनेस चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जब इसके स्ट्रेंथ को आप निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पर चले आइए, आप चले आइए इस भाव संधि में। यहाँ जब आप आएंगे, आप ये देखिए 7th कस्पल सब लॉर्ड है शनि। शनि प्रोफेशन को बताता है यानी बिजनेस को बताता है। अब शनि जो है वो रिजल्ट दे रहा है 7th कस्पल सब लॉर्ड और 1st कस्पल सब लॉर्ड दोनों बना हुआ है, यानी 1 और 7 का कस्पल सब लॉर्ड होके वो उसमें रिजल्ट में आ रहे हैं 2, 7, 11 हाउस है। शनि का स्टार लॉर्ड जो शुक्र है, जब इसके स्ट्रेंथ आप निकालेंगे तो ये शनि यानी 1 और 7 का सब लॉर्ड होके सैटर्न वो रिजल्ट दे रहा है 2, 7, 11 का। जब इसके स्ट्रेंथ निकालेंगे तो ये वीनस 7th हाउस के लिए निगेटिव हो जा रहा है, 2nd हाउस के लिए पॉजिटिव हो जा रहा है, 5th हाउस के लिए पॉजिटिव हो जा रहा है,
अब कहने का ये तात्पर्य है कि सिर्फ 2711 देख के हमने बिजनेस कह दिया है, लेकिन बिजनेस नहीं होगा। बिजनेस सेवेंथ हाउस से संबंधित जो रिजल्ट हैं, जो डायरेक्ट आप और सामान खरीदते हैं बेचते हैं, ट्रेडिंग जो काम है वो नहीं चलेगा। सेकेंड हाउस जो पैसिव इनकम का ये काम चलेगा, यानी जिसमें डायरेक्टली आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, वो काम आपका चलेगा। फिफ्थ हाउस जो सर्विसेज हैं वो चलेंगे। फिफ्थ हाउस मैंने क्यों देखा, क्योंकि सर्विसेज के लिए देखा और वीनस का जो लिंक है वो फिफ्थ हाउस को कनेक्ट कर रही है। अब यहाँ पे आप ये भी देखेंगे कि वीनस के रिजल्ट को वीनस में देखेंगे तो फिफ्थ हाउस यहाँ मौजूद है, शनि में देखेंगे तो फिफ्थ हाउस यहाँ मौजूद है। तो बेसिकली शनि जो महादशा स्वामी है उसका नक्षत्र स्वामी शुक्र स्ट्रेंथ वाइज सेकेंड हाउस फाइव हाउस के रिजल्ट को सपोर्ट कर रहा है काफ़ी पावरफुल तरीके से, जबकि सेवेंथ हाउस के रिजल्ट को निगेट कर रहा है, यानी उसके स्ट्रेंथ को वीक कर रहा है। तो इस केस में जातक जैसे ही कोई सामान खरीदता है कि मैं उसको बेचूंगा, वो बेच नहीं पाता, इसके पैसे फंस जाते हैं। तो क्या करना होगा इसको, इसको सेकेंड हाउस जो पैसिव इनकम का है, ये पैसिव इनकम पर इसको फोकस करना पड़ेगा। अब पैसिव इनकम बेसिकली वैसा इनकम है जिसमें आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, या तो आपके लिए आपका पैसा काम करता है, या फिर आपके लिए दूसरे लोग काम कर रहे होते हैं, या फिर आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया और वो आपका पैसा बढ़ रहा होता है। तो इस प्रकार से इनको पैसा कमाना है। अब ये काम क्या करते हैं, बेसिकली ये वास्तु करते हैं और साथ ही साथ जेम स्टोन्स को सेल करने का काम करते हैं। जब ये जेम स्टोन्स को सेल करते हैं, समस्या ये आती है कि बहुत से लोग इनसे उधार ले लेते हैं, वो पैसा इनको नहीं मिल पाता, या फिर जो सेल है वो नंबर ऑफ सेल्स जो हम कहें, जैसे महीने में मान लो ये 5 या 10 स्टोन सेल करते हैं, वो बढ़े 15, 20, 25, 30 हो, तो वो चीज़ नहीं हो पा रही है। तो सबसे पहला जो मैंने इनको रिकमेंड किया वो ये है कि फिफ्थ हाउस इसमें स्ट्रेंथ वाइज पावरफुल है, तो आपको फिफ्थ हाउस से रिलेटेड काम करनी चाहिए। जैसे आप स्टोन बेचते हैं, वास्तु करते हैं, यानी कंसल्टेशन का जो काम है वो फिफ्थ हाउस का है। वास्तु बेसिकली फोर्थ हाउस प्लस फिफ्थ हाउस का काम है, और एस्ट्रोलॉजी जो करेंगे वो फिफ्थ हाउस का है, टीचिंग जो करेंगे वो फिफ्थ हाउस का है। स्टोन जो हम सेल करते हैं बेसिकली वो जब हम क्लाइंट को दें, बजाय कि किसी दुकानदार को, जब हम क्लाइंट के दें तो हीलिंग पर्पस होगी, वो यहाँ पे फिफ्थ हाउस होगा। तो ये क्या होगा कि आपके जो स्टोन जाएंगे वो बेस तो आप स्टोन ही रहे, लेकिन आपकी कस्टमर बेस चेंज हो गए। पहले आप दुकानदार को देते थे तो दुकानदार डायरेक्ट एक प्रोडक्ट जैसा आप सेल कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप किसी क्लाइंट को दे रहे हैं जो मतलब कुंडली दिखा के अपनी प्रॉब्लम्स के अनुसार जेमस्टोन चाहता है, तो वहाँ पे हीलिंग का काम करेगा, जो कि फिफ्थ हाउस का मैटर है। इसके लिए आपको एस्ट्रोलॉजी पहले से इनको कुछ बेसिक नॉलेज है, मैंने बोला आपने इस एस्ट्रोलॉजी के नॉलेज को साथ कीजिए और फिर इस फील्ड में आइए, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। साथ ही साथ ये काम करते हैं अपनी लोकेलिटी में जहाँ रहते हैं, बस उस शहर में। आज के समय में ऑनलाइन आना, ये रोटी कपड़ा मकान मोबाइल इतना ही आवश्यक है। मोबाइल सिर्फ बातचीत करने के लिए ही नहीं है, हर एक प्रकार से आपकी जो भी एक्सपर्टीज़ है, जो भी आपका एक्स फैक्टर है, वो दुनिया के नज़रों में आना चाहिए। सही तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है तो उस चीज़ के लिए आपको ऑनलाइन आना पड़ेगा। यहाँ ये नहीं देखना कि मेरे में थर्ड हाउस है या नहीं है, वो थर्ड हाउस है या नहीं है वो पहले के लिए था, अभी के लिए रिक्वायरमेंट है, ये बेसिक नीड है, आपको आगे बढ़ना है। तो आपको ऑनलाइन मोड में, यानी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये जो भी ऑप्शंस हैं, इसका प्रयोग करते हुए अपनी मार्केटिंग करनी है। जैसे ही ये काम के तरीकों को इन्होंने बदला, क्योंकि ये कुंडली मैंने देखी थी मई में और अभी ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आपको अगस्त लास्ट में, आज 20 अगस्त को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, पता नहीं आप इस वीडियो को कब देख रहे होंगे। तो ये अब तक कहीं का ये फीडबैक है कि जैसे ही ये ऑनलाइन आए, तब ऑनलाइन आने के बाद इनके सेल में काफ़ी अच्छा खासा इनको ग्रोथ देखने को मिला, यानी ये संतुष्ट है। तो कुछ स्पेशल नहीं करना पड़ रहा, जो पहले अपने ऑफिस में सिर्फ बैठ के अपने शहर के कस्टमर का इंतज़ार कर रहे होते थे, तो वो चीज़ें अब इनके लिए थोड़ी सी ग्लोबल हो गई, यानी लोकल से ग्लोबल हो गए। अब क्या है कि ये जो इनके ऑफिस थी, कुछ दुकानदार इनके सेट थे, इस दुकानदार को देना है, उसके बाद फिर इनको इंतज़ार वहीं करना है कि वो दुकानदार किसी दूसरे को रेफरेंस देगा, तीसरे को देगा, इस प्रकार से चीज़ें थी। या लोकल कोई सेलर वगैरह, जैसे ज्योतिष वगैरह होते हैं जो सामान खरीदते हैं और वो अपने क्लाइंट को बेचते हैं, तो इस प्रकार से इनका काम था। अब इनका काम क्या होगा कि डायरेक्ट आप ऑनलाइन आएँ और आप सामान बेचें, कि जैसे ये पन्ना स्टोन है, इतने कैरेट का है, ये इसकी प्राइस है। तो अब जिस
क्लाइंट को ज़रूरत होगी, भले उसने आपसे कुंडली नहीं दिखाई है, वो आपसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करेगा। वो क्लाइंट ऐसा भी होगा जिसको बेचना नहीं है, स्वयं के लिए यूज़ करना है, यानी वो हीलिंग पर्पस ऐड हो गई। और जो आपसे कंसल्टेशन ले के जुड़ेगा तब भी हीलिंग पर्पस यानी फिफ्थ हाउस इसमें ऐड हो गया। तो काम के नेचर को बदलना है, उसके बाद वो जेमस्टोन आपके लिए फेवरेबल हो जाएगा। अब ये काम फेवरेबल हो जाएगा, अब वही कॉन्सेप्ट हमें जेमस्टोन के लिए अप्लाई करनी है। और जेमस्टोन के लिए जब आप देखेंगे तो ये राहु और शुक्र, ये दो स्टोन इनके लिए काफ़ी फेवरेबल हैं। शुक्र के लिए जो ओपल स्टोन होता है वो, और राहु के लिए जो गोमेद होता है वो, ये दो स्टोन इनको मैंने पहनने के लिए रिकमेंड किया। एक बार में मैं एक ही स्टोन बोलता हूँ किसी को भी कि आप पहन के देखें, फिर एक से डेढ़ महीने तक आप उसके रिज़ल्ट को फील किए, फिर उसके बाद दूसरे स्टोन को पहनिए, यानी दोनों स्टोन को एक साथ नहीं पहनना है। और स्टोन की एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो लोग मुझसे कुंडली दिखाते हैं मैं उनको ये भी बोलता हूँ कि आप जो स्टोन खरीद रहे हो, खरीदने से पहले उसकी फ़ोटो मुझे भेजिए, मैं उसकी एनर्जी चेक करके आपको बता दूंगा ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। क्योंकि कई बार मेरा ऑब्जर्वेशन ये है, देखने में आया है कि वो कुंडली आपके लिए, वो स्टोन जो है आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग भले सूटेबल हो, लेकिन यदि उसकी एनर्जी निगेटिव है तो क्लाइंट को लाभ नहीं मिलता, उल्टा उसको नुकसान उठाना पड़ता है। तो जेमस्टोन के लिए जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो है, कुंडली एनालिसिस फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई, सेकंड प्रायोरिटी ये होती है कि स्टोन की एनर्जी कैसी है, थर्ड कि वो स्टोन आपके लिए कंफर्टेबल है कि नहीं, यानी आपकी बॉडी के लिए सूटेबल है कि नहीं। तो ये चीज़ें जब मिलती हैं तो 10 में 8 से 9 लोगों को स्टोन सूटेबल होता ही होता है। मैं कभी भी 100% की गारंटी नहीं देता, क्योंकि मैं भी मानव हूँ और मानवीय, जब भी इंटेलिजेंस की बात होती है, बुद्धि की बात होती है, तो कहीं ना कहीं कुछ कमी स्वाभाविक है। तो इस आधार पे मैं काम करता हूँ। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो किसी भी प्रकार के आप चाहे कुंडली दिखाना है, वास्तु कंसल्टेशन या कोर्सेज करना है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 995x5792 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बने रहिए, मिलते हैं कुछ और वीडियोज़ के साथ।